कभी ऑटो कभी मैजिक चालकों पर डंडे लेकर दौड़ने तो कभी बसों को रोककर यात्रियों को उतार कर परेशान करने वाली ट्रैफिक टीआई सुप्रिया चौधरी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। अभी कुछ दिन पहले कोरोना कर्फ्यू की छूट के बाद घूमने वालों को समझाइश देने के मामले में ट्रैफिक टीआई सुप्रिया चौधरी को इतना गुस्सा आया कि उज्जैन रोड पर एक युवक को डंडे से पीट डाला। उससे इस तरह पेश आई कि जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया है। अब यह बात समझ में नहीं आई कि ट्रैफिक पुलिस को लोगों के साथ डंडे से मारपीट करने का किसने अधिकार दिया है। हर बार ट्रैफिक टीआई सुप्रिया चौधरी डंडा उठाकर लोगों से मारपीट करने के मामले में चर्चाओं में रही हैं। अब ट्रैफिक टीआई महोदया ने लोगों की ऑक्सीजन सिलेंडर किफायती दाम में देकर मदद करने वाले प्रतिष्ठित परिवार के साथ बदतमीजी कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह की कार्रवाई को लेकर खूब निंदा की, साथ ही पूछा कि ट्रैफिक पुलिस को किसने इस तरह व्यवहार करने की छूट दी है। इसको लेकर भी आड़े हाथों लिया। बताया जा रहा है कि जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मोती बंगला में रहने वाले गुप्ता परिवार से फोन पर चर्चा कर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मदद के लिए गुहार लगाई थी। कलेक्टर ने 15 सिलेंडर की मांग की थी। कलेक्टर साहब का आदेश सुनकर सुप्रिया चौधरी खुद को ही कलेक्टर समझकर मौके पर पहुंच गई। प्रतिष्ठित परिवार के साथ मैडम किस तरह पेश आई है, यह पूरा वाक्य कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ट्रैफिक टीआई सुप्रिया चौधरी किस तरह परिवार के लोगों से पेश आ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि परिवार कोई अवैध काम कर रहा है। प्रतिष्ठित परिवार के साथ इस तरह की घटना होने से परिवार आहत हो गया। परिवार के लोगों की तबीयत तक बिगड़ गई और मानसिक रूप से परिवार टूट गया। अस्पताल में पूर्ति करने को लेकर रखे 13 सिलेंडर ट्रैफिक पुलिस ले गई, जिसमें से 3 खाली और 2 भरे हुए सिलेंडर वापस पहुंचाए गए। इधर गुप्ता परिवार ने शुक्रवार को ही घटना के बाद शनिवार को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी, जिससे शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली। लोगों को पीथमपुर जाकर 8,000 रुपए में ऑक्सीजन लेकर आना पड़ी, जबकि यहां उनका 700 रुपए में ही काम हो जाता था। शहर के राजनेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद गुप्ता परिवार ने रविवार से ऑक्सीजन की सप्लाई फिर शुरू की। मेरे यहाँ रोज में सिलेंडर सप्लाई कर रहा था सारे हॉस्पिटल में, जो भी लोग होम क्वारंटाइन थे, लेकिन कल एक घटना हुई जिसमें एमजी हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर खाली हो गए थे। मेरे पास कलेक्टर साहब का फ़ोन आया था, जिसमें मेरे को उनसे बात होकर हुई थी कि 15 सिलेंडर देना है, तो मैंने उनको 15 सिलेंडर की बात हुई, मैंने देने के लिए हाँ भी करा। मेरे घर को आया तो मेरी मम्मी को बीपी की बीमारी है, मेरे पिताजी बीपी उनका बीपी हाई हो गया, वो लोग टेंशन में आ गए। तो उस चक्कर में मेरे घर वाले और मैं कल काम करने में काम नहीं कर पाए, एवं कल सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, एवं शहर के सभी वासियों ने साथ दिया, इसलिए आज का हमने फिर वापस